गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है? एक बार मेरे को चैट में बता दीजिए, क्या जो मेरी आवाज है वो सभी लोगों तक पहुंच रही है क्या? एज इन सभी के कानों से होते हुए दिलों तक पहुंच रही है क्या? एक बार चैट में मेरे को कंफर्म कर देंगे कि आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या? ओके 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 कैसे है भाई सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सारे भक्त है भाई। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओके आ जाओ भाई फटाफट फटाफट, सो दैट हम जो आज की क्लास है वो क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाए। तो एक बार सारे बच्चे मेरे को चैट में एक बार कंफर्म कर देंगे। सर कंफर्म करना जरूरी हो जाता है कि आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपरली है क्या, ठीक है ना? बाकी स्मार्ट स्मार्ट लग रहा होगा। चलिए जोक कर रहा हूँ यार, जोक तो चलता है तुम लोगों के साथ, घर के बच्चे हो तुम अपने। ओके सब कुछ क्लियर है। ओके सो भाई साहब, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बिजनेस एनवायरमेंट। सर बिजनेस एनवायरमेंट, हाँ वो तो ऑलरेडी सर स्टार्टेड है। अगेन हम एक बेस्ट स्टडी प्लान आज आपके लिए लेके आए हैं, बेस्ट एक स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा है लगता है कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट या करंट अफेयर्स के अंदर सर बहुत दिक्कत होती है, सर बहुत हार्ड है, ठीक है ना? कई सारे लोगों को ऐसा दिक्कत जाती है। क्लियर? तो आज मैं आपके सामने ना एक बहुत बढ़िया एकदम रामबाण स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है, आज मैं आपके सामने क्या करूंगा इसकी रखूंगा। यानी आने वाले जो हमारे डेज है, जिस आने वाले 10-12 डेज जो हमारे है उसके अंदर हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, किस तरीके से बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, यहाँ पे शेयर करूंगा। क्लियर? एक एक करके आपको सारी बातें यहाँ पे वन बाय वन मैं क्या करूंगा बताऊंगा। क्लियर? चलिए। सो भाई साहब, सबसे पहले हम पूरा प्लान जान लेते हैं, बट प्लान जानने के पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, एक इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जुलाई अटेम्प्ट जो है, जो तुम्हारी जुलाई में एग्जाम होने वाली है, जुलाई अटेम्प्ट जो है बेसिकली ये अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होने वाला है। सिर्फ गोल्डन अटेम्प्ट मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा क्या होने वाला है इसके अंदर, बता देता हूं भाई साहब। ये जो अटेम्प्ट अभी होने वाला है आपका जुलाई का अटेम्प्ट, ये गोल्डन अटेम्प्ट इसीलिए क्योंकि इसके बाद नवंबर से प्रवीण सर ने जैसे आपको बताए होंगे कि सर मैथ्स आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, मैथ्स आप लोगों के कोर्स में इन्वॉल्व होने वाला है। यानी नवंबर एग्जाम के अंदर मैथ्स मैथ्स भी आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा। बट उससे ज्यादा मेन बात कि जो करंट अफेयर्स है उसका भी वेटेज बढ़ रहा है। मतलब अभी के लिए करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी के लिए जो वेटेज है वो कितने के मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। बट नवंबर अटेम्प्ट में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ने वाला है, मतलब करंट अफेयर्स का कंटेंट और कोर्स और बढ़ने वाला है। तो सर एक साथ दो दो नई चीजें इन्वॉल्व होने वाली है फ्रॉम नवंबर 23 अटेम्प्ट। तो भाई साहब ये जो अटेम्प्ट हम लोग अभी जुलाई में देने वाले हैं ना, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अटेम्प्ट है, इसको आपको दे के निकालना ही है। तो सर मैथ्स बेटा, इसके ये जुलाई अटेम्प्ट आपने निकाल लिया तो पूरे सीएस में कहीं पे भी मैथ्स नहीं है, ठीक है ना? सो अगर आप ये जुलाई एग्जाम नहीं देते हो या खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो नवंबर देने की बारी अगर आती है तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी। हार्ड नहीं है बट मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो है वो ये जुलाई एग्जाम में क्या हो जाए, पास हो जाए। आने वाला जो जुलाई एग्जाम है उसके अंदर ही आप लोग क्या हो जाए भाई साहब, पास हो जाए, ये मेरी दिली इच्छा है, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि हम आने वाले टाइम के अंदर, आने वाला जो हमारा समय है उसके अंदर हम किस तरीके से बिजनेस एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स क्या करने वाले, प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आने वाला जो पीरियड है हम लोगों का उसके अंदर हम किस तरीके से कैसे कैसे बिजनेस एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ये मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें क्या करता हूँ बता देता हूँ। गाइस सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरमेंट। सर चैप्टर का नाम भी बिजनेस एनवायरमेंट, सब्जेक्ट का नाम बिजनेस एनवायरमेंट है और चैप्टर का नाम भी क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट। समझ में आ रही बात? तो सब्जेक्ट का नाम तो बिजनेस एनवायरमेंट है, उसके साथ साथ आपका जो सब चैप्टर है उसका नाम भी क्या है आपका, बिजनेस एनवायरमेंट। सर यानी इतना बढ़िया, हाँ इतना जोरदार, ठीक है ना, इतना बढ़िया इतना जोरदार है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे प्लीज सभी लोग, एकदम इंपॉर्टेंट बात। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका बिजनेस एनवायरमेंट टॉपिक, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जो सब्जेक्ट है ना भाई वो एकदम स्कोरिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो कौन सा है? बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में ऐसा क्या है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जा रहा है? सर बता देते हैं। सर अगर हम बात करें बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की, तो वो होता है 25 मार्क्स। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितने मार्क्स का आता है? 25 मार्क्स का। बेटा प्लीज ध्यान देंगे, कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का इको है, 25 मार्क्स का बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। 25 मार्क्स का क्या है? इकोनॉमिक्स है, एंड 25 मार्क्स का क्या है? बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। सर 25 25 मार्क्स दोनों, तो उसमें क्या हो गया? लेकिन करंट अफेयर जो आपको, सॉरी बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपको 25 नंबर के लिए पढ़ना है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपको कितने नंबर के लिए पढ़ना है? 25 नंबर के लिए पढ़ना है, वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में काफी कम है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का जो टॉपिक क्या बोलते हैं कंटेंट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंटरेस्टिंग तो बहुत है ही, उसके कोई दो राय नहीं है, बट स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या है? स्कोरिंग है। तो और दूसरी बात, जो आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो और ज्यादा क्या है? स्कोरिंग है। क्लियर? पक्का? तो सर एक चीज और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे एक मिनट शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुकेंगे बस, एक सेकंड जस्ट, मैं आप लोगों के स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ चीजें, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जस्ट एक सेकेंड रुकेंगे मेरे भाई, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। सर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। आपको नीचे में क्या कर लेना है, आपको इंपॉर्टेंटली नीचे में क्या कर लेना है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप का लिंक आपको सबसे पहले जाते बराबर क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। सर व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, अगर मैं व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, आप लोग प्लीज देख लेंगे, जस्ट एक सेकेंड। सर व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ इस तरीके से क्या दिखेगा, वेलकम टू सीएस कार्ड इंडिया फैमिली, ठीक है ना, इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे इस तरीके से सारी चीजें, स्टडी शेड्यूल वगैरह सब दिखेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे स्टडी शेड्यूल की लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और स्टडी शेड्यूल की, ये दिख रहा है सीएस क्लासेस लिंक करके, जैसे ही आप ये क्लासेस की लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जैसे ही ये क्लासेस की लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, वैसे ही आपके स्क्रीन पे हमारे जो वीडियोज है YouTube के, जस्ट एक सेकेंड, सारी चीज आपको वन बाय वन दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये समझ लो, थोड़ा सा सर बोरिंग टाइप है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत, थोड़ा सा ये समझ लो। स्क्रीन पे इस तरीके से, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से कहाँ पे आपको पढ़ना है। ये देखिए स्क्रीन पे, यहां पे आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट दिखेगी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपके सामने करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट जो इस बैच की है, ठीक है ना, अभी जो बैच हुई है कंप्लीट, इसी की जो प्लेलिस्ट है आपके सामने कुछ इस तरीके से, ये प्लेलिस्ट दिख रही है यहां पे साइड में, ठीक है ना, इस तरीके से आपके साथ सामने प्लेलिस्ट आ जाएंगी। सर इंपॉर्टेंटली आपको करना क्या है, सर मॉर्निंग में एज इन आफ्टरनून का जो समय आपका डेली बेसिस पे रहेगा, आफ्टरनून के समय में आप लोगों को डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस देखनी है। सर जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो लोग नहीं कर पाए करंट अफेयर की क्लासेस, ठीक है ना, उन लोगों को आफ्टरनून के टाइम पे करंट अफेयर की क्या देखनी है, क्लासेस देखनी है। उसके बाद, ठीक है ना, इवनिंग में बिजनेस इन्वायरमेंट और जो मेरे साथ लाइव क्लासेस में आप लोगों की ले रहा हूँ वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है।
ठीक है ना सर। स्टार्टिंग के जो 6 डेज हमारे रहेंगे, हमारे स्टार्टिंग के जो 6 डेज रहने वाले हैं, स्टार्टिंग के 6 डेज में हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। आने वाले जो 6 डेज हमारे रहेंगे उसमें हम पूरे बिजनेस एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो और हमारे पास 2 दिन रहेंगे उसके अंदर हम बिजनेस एनवायरमेंट का जो एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ध्यान से सुनना, बिजनेस एनवायरमेंट का एक टॉपिक जो ऑलरेडी हो चुका है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, 6 दिन तक बिजनेस एनवायरमेंट के 2 टॉपिक्स जो है, टोटल 3 टॉपिक्स है बिजनेस एनवायरमेंट में, कितने टॉपिक्स है, 3, तीन में से 2 टॉपिक्स जो है बिजनेस एनवायरमेंट के, बहुत ध्यान से सुनना, तीन में से कितने टॉपिक्स, एक टॉपिक हमारा ऑलरेडी लास्ट वीक हो चुका है, उसके वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं किस चीज की, 2 टॉपिक्स की, तो हम अभी ये दोनों टॉपिक्स बिजनेस एनवायरमेंट के आने वाले 6 डेज के अंदर, टोटल 6 डेज के अंदर आने वाले हम ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2 दिन में जो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है, जो 6th चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट का, जो 6th चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, ठीक है ना, उसका रिवीजन डिटेल में लेने वाला हूं। मतलब पहले हम 6 दिन पूरा डिटेल में बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलरेडी कल ही मेरा बिजनेस एनवायरमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो खत्म हुआ है, तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, जो बच्चे आज से ज्वाइन हुए हैं, भाई वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके ऊपर क्लासेस की लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने प्लेलिस्ट क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो आपको आफ्टरनून में वो कंप्लीट करना है चीजें जो आप लोगों की बाकी है, और इवनिंग में मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। आफ्टरनून में आपको प्लेलिस्ट से वीडियोस देखना है और इवनिंग में आपको मेरे साथ क्या करना है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। तो टोटल 6 दिन में हम ये चीजें करने वाले हैं। उसके बाद 2 दिन में हम रिविजन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो की, और उसके बाद मैं करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों की लेने वाला हूं मास्टर क्लास, जो कि रहती है करंट अफेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। हो सकता है वो 2 दिन 3 दिन हमारी मास्टर क्लास चले, ठीक है ना, और उन मास्टर क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को सारे करंट अफेयर्स, इधर के उधर के इधर के उसके इसके सारे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, दिमाग में बैठा दूंगा। इन्हें एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, मतलब बोलते हैं ना कि करंट अफेयर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी उठा लेते हैं, तो भाई वो कुछ भी का जो आंसर है वो मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर पूरा करवा दूंगा, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के दिए गए सारे करंट अफेयर, इधर के उधर के एक्स्ट्रा अफेयर, सब कुछ, एवरीथिंग मैं करवाऊंगा। बट कब, 6-7 डेज बाद, ठीक है ना। पहले 5-6 डेज हम बिजनेस एनवायरमेंट के दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 दिन एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, जो बिजनेस एनवायरमेंट का कल कंप्लीट हुआ चैप्टर है, वो उसकी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर की मास्टर क्लास करेंगे। तो ये टोटल हमारा 10 तारीख तक का प्लान है। टोटल ये हमारा कब तक का प्लान है मेरे मालक, 10 तारीख तक का टोटल ये हमारा प्लान है। कब तक का प्लान है, टोटल 10 तारीख तक का हमारा ये क्या है, प्लान है। सर 10 तारीख के बाद क्या करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, मतलब पूरा करंट अफेयर, पूरा बिजनेस एनवायरमेंट हम लोग 10 तारीख के बाद फिर से पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सर फिर रिवाइज उसके बाद करेंगे, फिर मैराथन सुनूंगी, सर बस। तो इसके बाद भी अगर तुम बोलोगे कि सर मैं पास हो जाऊंगा क्या, सर मैं पास हो जाऊंगा क्या, बेटा पास जोरदार नंबर आने वाले, पास जोरदार नंबर है। तो अगर ये प्लानिंग से आप लोग मेरे साथ चलेंगे, सो आई अश्योर यू दैट आई गारंटीड कि आप लोग क्या करोगे, जोरदार मार्क्स लेके आओगे। और दूसरी बात, ये जो रहता है ना, सर इसका पेपर बहुत हार्ड आया था, सर पिछली बार बहुत हो गया था, बेटा मैं एक चीज हमेशा से बोलते हुए हूँ, पिछले 6 अटेम्प्ट से करंट अफेयर्स के अंदर 50 out of 50, जो करंट अफेयर वॉइस होता है उसके अंदर 50 out of 50 बच्चे लेके आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक आधी बच्चे का पेपर ऊपर नीचे आता है तो वो टेंशन लेता है, बोलते रहता है मेरा पेपर हार्ड आया था। जितना हमारे पास करंट अफेयर का मटेरियल है उससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा, ये गारंटी है। बस तुमको पेपर तक ईमानदारी से डेली बेसिस पे क्लासेस क्या करनी है, अटेंड करनी है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आप करते चलो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। सो प्लान एकदम सिंपल है, क्विकली एक बार वापस से बता दे रहा हूँ। सर ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, नालायक, ये कोई भी काम करने के पहले प्लानिंग अगर कर लेंगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आती। सो पहले बहुत जरूरी हो जाता है प्लान करना, क्या बोलते हो। तो पहले 6 दिन बिजनेस एनवायरमेंट कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, फिर 2 दिन चैप्टर नंबर 6 जो है बिजनेस एनवायरमेंट का, टोटल 3 चैप्टर है, पहले 5 इकोनॉमिक्स के, 6, 7, 8 बिजनेस एनवायरमेंट का है। फिर क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे 6th चैप्टर, जो आप लोग ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं।
उसके बाद हम मास्टर क्लास लेंगे करंट अफेयर्स की, और जिसके अंदर हम तोड़ के रख देंगे सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा देंगे। क्लियर? सो मेरे को बताओ, इतना करने के बाद भी क्या हम पास नहीं होने वाले? बच्चा बोलता है पेपर पैटर्न बताओ, नालायक को बताओ, ये प्रोफेशनल कोर्स है बेटा, यहाँ कोई पेपर पैटर्न नहीं होता है, कोई पेपर पैटर्न नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल एमसीक्यूज आएंगे आपको, और एमसीक्यूज आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलिए मेरे को एक बार बता दो, दिमाग में बैठी गया पक्का? एक बार चैट में मेरे को बता दो। अरे बोलो। चलिए, सो ये सारी बातें, ओके, सो ये लगता है ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई। चलिए सर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ हमारा जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरमेंट्स। सर वहां से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो सर ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्टली आप ड्राइव, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करो तो आपको ICSI की मॉड्यूल, बेसिकली हम बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो ICSI की मॉड्यूल जो है वहां से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो हम ICSI की जो मॉड्यूल है वहां से बिजनेस एनवायरमेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक का नाम ही बिजनेस एनवायरमेंट है। सर सबसे पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरमेंट? जस्ट एक सेकंड। सबसे पहले थोड़ा सा मेरे को आपसे जानना है, फिर मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरमेंट। आपको क्या लगता है कि बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरमेंट? बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट का? सर सब्जेक्ट का नाम भी बिजनेस एनवायरमेंट है, टॉपिक का नाम भी बिजनेस एनवायरमेंट है, तो मेरे को थोड़ा सा गाइड करेंगे, आप इतने टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं, सर बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। सर प्लीज सर, सर थोड़ा सा सर बताएंगे चैट में। और एक चीज, मेरी क्लास के अंदर ना कोई फालतू इधर उधर की चकलस नहीं करेगा, हम लोग पूरी बातें करेंगे सब चीजों के ऊपर, बस आप लोगों को ना टू वे कम्युनिकेशन रखना है, मेरे से बातें करनी है, ठीक है ना? आपस में बातें नहीं करनी है, मेरे से चैट में डालो। बिजनेस एनवायरमेंट, अच्छा 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 थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा बहुत बताओ। देखो सारे बच्चे, जो तुमको लगता है सर हमने तो पहली बार ये वर्ड ही पहली बार सुना है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके पास आपको नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, जिनको पता है वो लोग बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरमेंट, क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट। अरे बोलेंगे भाई क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट। ऑल इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने करंट अफेयर की क्लास नहीं करी, अभी करने की जरूरत है क्या? बताओ उसको कोई नालायक, मेरे बच्चा करना पड़ेगा, आपको वीडियोस की लिंक दी हुई है, अभी मैंने बताया किस तरीके से प्लान रहने वाला है, आप लोगों को उस तरीके से वो प्लान को फॉलो करना है। चलिए क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब? एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ओके ओके सर सबसे ध्यान से सुनेंगे। चलो अब मैं बताता हूँ आपको बिजनेस एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर देखो कैसा होता है ना, कोई भी अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, कोई भी अगर हम किसकी बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली बिजनेस के आसपास की बहुत सारी चीजें रहती है, जो बिजनेस के आसपास की बहुत सारी चीजें रहती है ना, वो बिजनेस को बहुत हद तक क्या करती है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो बिजनेस के जो आसपास की चीजें है वो बिजनेस को क्या करती है, बहुत हद तक अफेक्ट करती है। सर यानी कैसा, समझा नहीं हम। सर मेरे को एक चीज बताओ, कल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई। सर हमारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अरे मान लो ना एक मिनट के लिए, कल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई, तो तुम्हारे को अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? चैट में एक बार बता दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई, तुम्हारे को अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? मेरे को एक बार चैट में बता दो, अफेक्ट मतलब तुमको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरे को सिर्फ चैट में बता दो, क्या तुमको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा। सर हम तो सर बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा? अच्छा तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त को छोड़ के चली गई, क्या उससे तुमको फर्क पड़ेगा? बच्चा बोल रहा है हमको तो बहुत खुशी होगी। बोले अरे नालायक, ऐसे बच्चे कौन है, कहां से आते हैं ये लोग, इतने तेजस्वी लोग आते कहां से? सबसे पहले तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त को छोड़ के चलेगी, क्या तुमको फर्क पड़ेगा? सर नहीं। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चलेगी तो तुमको फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स कई सारी ऐसी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में होती है, हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनके वजह से हमको क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो वैसे ही सेम चीज होती है बिजनेस के साथ।
बिजनेस के आसपास कई सारी चीजें होती है जिनकी वजह से बिजनेस को क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिनकी वजह से बिजनेस को फर्क पड़ता है, यानी बिजनेस के आसपास की जो चीजें है, ठीक है ना, उनके वजह से बिजनेस को क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। जस्ट लाइक बिजनेस का कॉम्पिटिटर, अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो है बिजनेस का वो प्राइस कम कर रहा है गुड्स की, तो उससे तुमको फर्क पड़ेगा। तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उससे तुमको फर्क पड़ेगा। अरे यस और नो? पड़ेगा सर। सर गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज चेंज कर देती है, कई बार गवर्नमेंट अपने टैक्सेस चेंज कर देती है, तो क्या उससे तुम्हारे बिजनेस को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या उससे तुम्हारे बिजनेस को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। दैट मींस बिजनेस एनवायरमेंट सिंपली मींस जो बिजनेस के आसपास की, बिजनेस की सराउंडिंग की चीजें है, और वो चीजें बिजनेस के आसपास की जिसकी वजह से बिजनेस को क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऑल दैट थिंग्स आर कंसिडर्ड एज बिजनेस एनवायरमेंट। वो सारी चीजों को क्या कहा जाता है, बिजनेस एनवायरमेंट कहा जाता है। सर यानी अगर सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, आज कोकोकोला है वो काला पानी बेचते हैं, कोकोकोला काला काला पानी है ना, हाँ वो अपन पीते हैं काला पानी, फिर तबीयत खराब करते, खैर मुद्दे पे आते हैं, कोकोकोला पीने जाते हैं। अब कोकोकोला की कॉम्पिटिटर है पेप्सी, बहुत ध्यान से पहले बेसिक समझ लो आज, ठीक है ना। कोकोकोला की कॉम्पिटिटर कौन है? पेप्सी। सर पेप्सी ने अपने अपने पेप्सी ने क्या करी, छोटी पेप्सी लॉन्च कर दी। पेप्सी बोली मैं 4 रुपए में पेप्सी बेचूंगी। सर पॉसिबल है, एक टाइम आया था ऐसा कि जब पेप्सी ने 5 रुपए में पेप्सी बेची थी, कोको कोला की प्राइस है 10 रुपए, पेप्सी वाले ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च करा और उसने 4 रुपए में पेप्सी बेचना चालू करी। कितने रुपए में? 4 रुपए में। क्या इसकी वजह से कोको कोला को इंपैक्ट पड़ेगा? अरे यस और नो मेरे को चैट में बताओ, क्या इसकी वजह से कोको कोला को इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस और नो? सर बिल्कुल पड़ेगा। कोको कोला बेचारा एकदम ऐसा टेंशन में आ जाएगा क्योंकि उसका धंधा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रेटेजी क्या करी है, प्राइस क्या करी है, अपने गुड्स क्या करे, चेंज करे, तो उसके वजह से उसके बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये कोको कोला के लिए पेप्सी का क्या हो गया, एक बिजनेस एनवायरमेंट हो गया। कोको कोला को हमेशा पेप्सी के ऊपर ध्यान रखना है कि पेप्सी कुछ कांड तो नहीं पीट रही है, पेप्सी कुछ नया तो नहीं कर रही है, ये हमेशा कोको कोला को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है बिजनेस एनवायरमेंट का, जो हो सकता है शायद कई लोगों ने सुन भी रखे होंगे। सर आप लोगों ने नोकिया के बारे में सुना है क्या? नोकिया के बारे में, नोकिया, नोकिया के बारे में आपने सुना है क्या? खैर उस टाइम की जब मैं बात बता रहा हूँ ना, आप बहुत छोटे होंगे, ठीक है ना, बट बहुत एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, बहुत एक, मैं इस तरीके से ना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी, मैं ना सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, इधर की उधर की पढ़ाई अपने आप हो जाती है। बच्चे बोलते हैं सर हमको समझ गया पूरा, पढ़ाई अपने आप होगी, वो अलग बात है, पढ़ाऊंगा वो बात की बात है, पहले हम दिमाग में सोचने की कैपेसिटी डेवलप करेंगे। अभी हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई हम बीकॉम थोड़ी ना कर रहे हैं कि भाई भाई पढ़ लो रट लो फिर एग्जाम में लिख के आ जाओ, अरे वाह मार्क्स मिल गए, जो ज्यादा लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। ध्यान दो इधर साहब, नोकिया की बात सुने हो, नोकिया के बारे में सुने हो? सर नोकिया एक टाइम पे ना मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी थी। आई रिमेम्बर जब मैं मतलब आई थिंक 9th या 10th में होऊंगा ना मैं, तो मेरे दादाजी ने मेरे को ना एक फोन दिलवाए थे छोटा वाला, वो नोकिया का ट्यूबलाइट वाला फोन आता था, और उस समय वो ट्यूबलाइट वाले फोन की भी बहुत इज्जत होती, उसकी भी बहुत इज्जत थी। यानी तुम्हारे पास नोकिया का फोन है मतलब बहुत जोरदार काम। तो नोकिया वन साइडेडली इंडियन मार्केट के ऊपर क्या करके बैठा था, कब्जा करके बैठा, एकदम पूरा इंडियन मार्केट के ऊपर नोकिया का कब्जा था, ठीक है, और एकदम वन साइडेड नोकिया चल रहा था। ये सैमसंग सुमसंग कुछ इज्जत नहीं थी इनकी, इनका कोई पुत्ता भी नहीं था, मतलब मेरे को याद है सैमसंग वैमसंग को ए पागले के तू कुछ भी मोबाइल उठा के लाया कर, चल सैमसंग वैमसंग कुछ नहीं होते थे। तो सर एप्पल का इतना दबदबा नहीं था उस समय, इतना दबदबा नहीं था एप्पल का उस समय। नोकिया वन ऑफ द बेस्ट फोन थे इंडिया के अंदर। अब मुद्दा क्या हुआ, नोकिया काम करते गया काम करते गया काम करते गया, नोकिया फोन लॉन्च करते गया, नए 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 काम करते गया, उतने में ही एंट्री हुई मार्केट के अंदर एंड्रॉइड की। सैमसंग ने गूगल की मदद से एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया, ये अंदर की बात है, ये फैक्ट है कि सैमसंग ने गूगल की मदद से, एक्चुअली में गूगल की मदद से एंड्रॉइड फोन, स्क्रीन टच फोन
टक टक टक। उस समय स्क्रीन टच फोन मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है ना। तो स्क्रीन टच फोन लॉन्च कर दिया एंड्रॉइड, और रातों रात नोकिया कंपनी पूरी खत्म हो गई, रातों रात पूरी कंपनी खत्म हो गई। इतनी बड़ी टॉप कंपनी नोकिया, और वो रातों रात खत्म हो गई। ऐसा हो गया कि एंड्रॉइड आने से नोकिया का पूरा मार्केट जीरो, मार्केट खत्म। आई रिमेम्बर नोकिया का उस समय जो सीईओ होता था ना, उस समय जो नोकिया का सीईओ था, रो दिया था भाई उसने, रो दिया था, रो दिया था लिटरली। जब वो आखिरी स्पीच बोलते ना कंपनी बंद हो रही है, उस समय आया था, या कंपनी बिक रही है, तो वो लिटरली टीवी पे उसका स्पीच होंगी, आप यूट्यूब वगैरह पे ढूंढ सकते हैं, लिटरली उसकी आंख से आंसू निकल गए थे। एंड ही वॉज लाइक, हमने कुछ गलती नहीं करी, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम तो अपना काम करते गए, बस हमसे एक गलती हो गई, हमसे एक गलती हो गई, हमने इनोवेशन नहीं किया, या रैदर हमसे एक गलती हो गई कि हमने अपने बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन नहीं किया। हमसे एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमने अपने बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन नहीं किया, यानी हमने अपनी आसपास की चीजों पे नजर नहीं रखी। नोकिया ने छोड़ दिया था सैमसंग वैमसंग को अपना कॉम्पिटिटर मानना, नोकिया ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि एंड्रॉइड आने से उसको क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एंड्रॉइड मार्केट में उतरा और एंड्रॉइड ने नोकिया के पूरी कंपनी खत्म कर दी। फिर भले ही नोकिया गया ना कहां पे, माइक्रोसॉफ्ट को पास बिका जाके, फिर बाद में और अभी भी थोड़ा बहुत काम चालू है उसका, बट वो जो फेस था नोकिया का वो वापस नहीं आ सका। एंड सैमसंग बन गया मार्केट का टॉप प्लेयर, सैमसंग बन गया मार्केट का टॉप प्लेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन? तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी बिजनेस के लिए, कि वो अपने आसपास की चीजों पे हमेशा क्या करे, नजर रखे, अपने आसपास की चीजें, जो चीजें उसके बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसके बिजनेस पे इंपैक्ट डालती है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज, दैट टाइप ऑफ फैक्टर्स आर कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरमेंट, जो चीजों की वजह से आपके बिजनेस को क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नोकिया ने ना रिसर्च करी, और सबसे इंपॉर्टेंटली नोकिया ने ना अपने आसपास की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से नोकिया पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म। देखो हर एक बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा ना पहले बैकग्राउंड समझ लो आज, हर एक बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ, क्योंकि क्या होता है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्ट करती है और ट्रांजैक्ट करती है। ट्रांजैक्ट करने का मतलब बिजनेस करना, काम करना, और वो सारी चीजों के ऊपर हमारा बिजनेस क्या करता है, डिपेंड करता है। अब सोच के देखो ना, सोच के देखो इसका इंपैक्ट, तुम मेरे को खुद इसका आंसर दोगे। गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, क्या इसके वजह से तुम्हारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का रेट है वो बढ़ा दिया, गवर्नमेंट बोली मैं जीएसटी का रेट 40% कर दूंगी, गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, क्या इसकी वजह से बिजनेसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा? और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, क्या बिजनेस बढ़ जाएगा या बिजनेस कम हो जाएगा? दिमाग लगाओ, चैट में आंसर चाहिए। इसकी वजह से बिजनेस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? नहीं, फर्क पड़ेगा, बच्चा बोलता ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, यस हाँ पड़ेगा, तो बताओ ना कैसे फर्क पड़ेगा, क्या बिजनेस बढ़ जाएगा या खराब हो जाएगा? और सारे बच्चे चैट में आंसर देंगे, सिर्फ ऐसा मैं सुन रहा हूँ, हाँ पापा बोल रहा है, सूरज आया है बोल रहा है, बोल के चले जाएगा, नालायक, ये सब नहीं होना मेरे को क्लास के अंदर, ठीक है ना, एकदम अटेंटिव सर, बट ऑब्वियस सी बात है बिजनेस कम हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फर्क पड़ रहा है। अच्छा अभी आपको बताऊंगा ना मार्केट में आर्टिफिशियल, मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, हाँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। सर बुक से नहीं पढ़ाऊंगे, सर सर बुक का नहीं पढ़ना है सर। ए भाई पढ़ लेंगे बुक का बाद में, बुक के अंदर की बातें बात की बातें, पहले दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि हमको सॉल्व करना है एमसीक्यू, और केस स्टडीज ज्यादा, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ज्यादा ही चैप्टर में पूछते हैं, ठीक है ना। एक बार और सर, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, और ये AI आने का, अच्छा वीडियो अगर अच्छी लगेंगी तो लाइक जरूर करना यार, लाइक में कंजूसी मत करना, हमारे को मोटिवेशन मिलता है आपको, तुम आपके भाई सीएस सूरज सतीजा और आपकी अपनी फैमिली सीएस का इंडिया टीम की अगर एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करना, कंजूसी मत करना, लाइक और वॉचिंग सेम होनी चाहिए।
खैर मुद्दे पे आते हैं। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्या आप लोगों को लगता है कि उसकी वजह से हमारे कंट्री के बिजनेसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा? जो हमारी कंट्री की सॉफ्टवेयर कंपनीज है, हमारी कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज है, क्या उनको फर्क पड़ेगा? सर बट ऑब्वियस ही बात है फर्क पड़ेगा। सर मेरे को आप लोगों से जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या हमारी कंट्री के ऊपर पॉजिटिव, हमारी कंपनी, हमारी कंट्री के अंदर जो कंपनीज है उनके ऊपर पॉजिटिव यानी फेवरेबल इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? हाँ वही चैट जीपीटी एंड ऑल, वो आने से हमारी कंट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनको नुकसान होगा या फायदा होगा? दूसरी बात इंपॉर्टेंटली, फायदा होने वाला है या नुकसान, फेवरेबल है या अगेंस्ट है, क्या लगता है? क्या पड़े लगता है, क्या आपको क्या लगता है, आपके दिल पे हाथ रख के बताओ। सर हमने तो गर्लफ्रेंड को आज तक दिल पे हाथ रख के कसम नहीं खाए। अब अरे इंपॉर्टेंट है, बच्चा बोलता है सर 50-50। ओके बच्चा बोल रहा है आने की वजह से जॉब कम हो जाएंगी। कई सारे बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लोग है अपनी क्लास में भाई, वेरी गुड, मतलब सैल्यूट यार, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू ऑल, वेरी गुड मेरे भाई। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फेवरेबल इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बताऊं अगेन सर, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फेवरेबल या नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। एआई के आने की वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनमें से कुछ कंपनीज को फायदा होने वाला है और कुछ कंपनीज को नुकसान होने वाला है, मतलब कुछ कंपनी के लिए वो पॉजिटिव फेवरेबल होने वाला है और कुछ कंपनीज के लिए वो नेगेटिव होने वाला है। सर ऐसा क्यों? सर यही तो खासियत है बिजनेस एनवायरमेंट की कि जो आपके आसपास की चीजें होती है वो कुछ कंपनीज के ऊपर अलग इंपैक्ट डालती है और कुछ के ऊपर अलग इंपैक्ट डालती है, मतलब इंपैक्ट सेम नहीं होता है, इंपैक्ट अलग अलग होता है। अब जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लेंगी, जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर लेंगी, वो कंपनीज को आगे चल के फायदा होने वाला है। वो खुद समझ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कंट्री के लिए, कंपनी के लिए जरूरी है, तो वो लोगों ने खुद ने वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। जिन्होंने नहीं करी वो कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। अरे जस्ट लाइक एंड्रॉइड का केस, एंड्रॉइड भी तो एक टेक्नोलॉजी थी ना यार। अब एंड्रॉइड के आने से सैमसंग को फायदा हो गया, लेकिन एंड्रॉइड के आने से नोकिया को नुकसान। ये बिजनेस एनवायरमेंट जो होता है, आपके आसपास की चीजें जो होती है उसका इंपैक्ट किसी के ऊपर कुछ और किसी के ऊपर कुछ, मतलब कुछ कंपनीज के लिए वो चीज फायदा हो सकती है जिसने उसको अपना लिया, जो उसके जिसने उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया, और कुछ के लिए नुकसान हो सकती है। जो लोग बेचारे अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं 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 ये चैट जीपीटी वीपीटी कुछ नहीं होता है, ये एआई कुछ नहीं होता है, हम तो अभी भी अपने पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करेंगे भैया, हमको नहीं जमती है ये, ऐसी कंपनीज डूबेंगी 100% लिख लो मेरे से। एक बार जैसे कंप्यूटर का एज आया था, कंप्यूटर का जमाना आया था, तब भी लोगों ने बोले थे नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियां नहीं गई उल्टा नौकरियां बढ़ गई। हाँ उन लोगों की नौकरियां चली जाती है जो ये टेक्नोलॉजी के साथ, ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, वो तो फैक्ट। अरे सिंपल है यार, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली गई किसी और के साथ, ये ना उसने बोली ये नालायक निकम्मा आदमी एकदम निकम्मा है, मैं इसको छोड़ रही हूं, और उसने दूसरा या उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया या दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, लड़की के लिए लड़का, वो उल्टा एसडी केस में भी, तो उसके लिए फायदा तुम्हारे लिए नुकसान। तो एक ही चीज किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान, सेम अप्लाइज टू बिजनेस एनवायरमेंट, सेम अप्लाइज टू दिस इवेंट्स ऑल्सो, जो हमारे आसपास घटनाएं क्या होती है घटती। समझ में आ रही बात? तो बिजनेस एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ निगेटिव इंपैक्ट करेगा। अब मैटर क्या करता है कि कौन उसके ऊपर ज्यादा अवेयर है, कौन इसको टाइमली मैनर में स्कैन कर रहा है। देखो नोकिया के साथ जो हुआ, ये कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, नोकिया के साथ जो हुआ, जो नोकिया के साथ घटना घटी उसमें गलती नोकिया की थी कि उसने एंड्रॉइड जब टेक्नोलॉजी आई मार्केट में तो उसने सबसे पहले एंड्रॉइड को अपना लेना चाहिए था, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉइड को नहीं अपनाया। नोकिया बोला ये एंड्रॉइड एंड्रॉइड हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसने उसको हल्के में ले लिया,
एंड्रॉइड को नोकिया ने हल्के में ले लिया, पूरी टेक्नोलॉजी वो चुपचाप अगर नोकिया उस समय एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता था तो ऑटोमेटिकली नोकिया कभी बंद नहीं होती थी और सैमसंग कभी उभर ही नहीं पाती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया मजनू, बताओ हल्के में ले लिया तो एंड्रॉइड ने नोकिया को हल्का कर दिया, सिंपल है भाई। सो बिजनेस एनवायरमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आपके आसपास की जितनी इवेंट्स है उन सबका सम टोटल एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस एंड इवेंट्स। स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही है मेरे मालक, बिजनेस एनवायरमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो स्क्रीन पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस एंड इवेंट्स, इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस एंड इवेंट्स इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट्स इट। तो बिजनेस एनवायरमेंट की डेफिनेशन चालू होती है भाई साहब कि बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब होता है सम टोटल वो सारी कंडीशंस, वो सारे इवेंट्स हमारे आसपास के, जिन इवेंट जिन कंडीशंस के वजह से हमारे बिजनेस को क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, उन सब का सम टोटल कर लो, एग्रीगेट मतलब सम टोटल कर लो, तो उसको कहा जाता है क्या, बिजनेस एनवायरमेंट। उसको क्या कहा जाता है मेरे मालक, बिजनेस एनवायरमेंट कहा जाता है। समझ में आ रही बात, उसको क्या कहा जाता है, बिजनेस एनवायरमेंट। और हर एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बिजनेस एनवायरमेंट को देखते रहे। सर बिजनेस एनवायरमेंट of a company as a pattern of all external influences that affects its life and development, bahut important point hai ki environment of a company as a pattern of all external influences that affects its life and development. sir life and development ko affect karta hai ka matlab kya ho gaya ki jo bhi aapke aas paas ki cheeze hai surroundings mein agar wo cheeze aapki company ki life jaise nokia ki life khatam kar di usne matlab nokia company band ho gayi ya development ko impact dal rahi hai to wo aapke liye kya hai। तो कभी भी ना आपको ये पहचानना है कि कौन सी चीज हमारी कंपनी के लिए बिजनेस एनवायरमेंट है और कौन सी नहीं है। तो सिंपल एक चीज याद रखना, मैं घुमा फिरा के वही बात बोलूंगा बार बार, क्योंकि वही चीज है कि जो चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है और जो चीजों से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है उससे क्या लेना देना भाई हमारा, नहीं उससे क्या लेना देना है मेरे को एक चीज बताओ, कुछ लेना देना ही नहीं। तो जो चीजें हमारे बिजनेस को क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। तो बोलो मेरे साथ, द एनवायरमेंट ऑफ ए पैटर्न ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जो हमारी कंपनी की लाइफ रट्टा नहीं लगाना है कोई भी चीज को। सर आपको कोई डेफिनेशन पेपर में लिख के नहीं आना है, ये एमसीक्यू सब्जेक्ट की यही खासियत होती है कि आपको लिखना कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ, रट्टा नहीं लगाना है, पेजेस कंप्लीट नहीं करना है, समझना है चीजें और वो समझ के आप कोई भी क्वेश्चन का क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे एनी क्वेश्चन। समझ में आ रही बात, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्लियर बताओ यहां तक क्लियर। सर मैं एक भी डेफिनेशन रट्टा नहीं लगानी, सिंपल इतना याद रखना है कि बिजनेस एनवायरमेंट मतलब हमारे आसपास की चीजें, उनका एग्रीगेट, उनका टोटल सम एग्रीगेट हमारे आसपास की चीजें जिनकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। सर सारी डेफिनेशन के अंदर एक ही लाइन लिखी जाती है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सब चीजों के अंदर एक ही चीज की ऑर्गेनाइजेशन और इम्पैक्ट जिसकी वजह से हमारी कंपनी को क्या पड़ता है, इन्फ्लुएंस। तो सर ये रट्टा लगाना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नीचे और जोरदार डेफिनेशन जो दी हुई है वो आप ये वाली दी हुई है, ध्यान से देखना। सबसे जोरदार और सबसे मजेदार धमाकेदार डेफिनेशन जो है वो ये वाली है, एन ऑर्गेनाइजेशन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ दोस थिंग्स विच आर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बोलता है ऐसी चीजें जो बाहर की है और जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कंसिडर्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो आप समझो बात को, जो चीजें आपके, देखो कई बार क्या होता है, दो चीजें होती है जो चीजें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, एक तो अंदर की चीजें, दूसरी बाहर की चीजें। सर अंदर की मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है ना, बिजनेस का मैनेजमेंट हो गया, मतलब बिजनेस के अंदर की चीजें वो कंपनी को अफेक्ट करती है, दूसरी होती है बाहर की चीजें। तो ये यहाँ पे ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सेंस में एक चीज बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो बाहर की चीजें होती है, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज कस्टमर्स, ये एक प्रकार का बिजनेस एनवायरमेंट है। कस्टमर अगर आपका चेंज हो जा रहा है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जा रहा है, गवर्नमेंट, सर देखो आपके लिए कौन कौन बिजनेस एनवायरमेंट, आपका कस्टमर,
तो आप एज अ कंपनी हमेशा क्या करोगे, ध्यान से सुनना, आपके लिए आपका कस्टमर एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, यानी आपका कस्टमर के अगर कस्टमर अगर आपका कस्टमर के टेस्ट माइंड में कुछ चेंज हो रहा है तो उससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। सर पहला आपका कस्टमर रोज पेप्सी पीता था, अब आपका कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, ही वॉन्ट्स बियर, ही वॉन्ट्स बियर, राम राम राम, गलत बात है ये, बट पी रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है। तो कस्टमर को पहचानो, कस्टमर का क्या टेस्ट चेंज हो रहा है, कस्टमर को वो चीज क्या करो, प्रोवाइड करो। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है कस्टमर। कई बार ऐसा होता है कि आपके कस्टमर दूसरी तरफ चले जाते, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाते, तो उसको जाने से रोको। सर गवर्नमेंट भी एक प्रकार से हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट है। सर गवर्नमेंट ने एकदम से टैक्सेस बढ़ा दिए, हमारी कंपनी वैसी बर्बाद हो जाएगी। टैक्सेस कम कर दिए तो उससे हमारी कंपनी को फायदा होगा, समझ में आ रही बात बेटा? एक भी नाम याद नहीं रखना है ये, मिस्टर सीजे, फिर आपका एंडरसन, एक भी नाम याद नहीं रखना है, नॉट इवन अ सिंगल नेम। ये डेफिनेशन वालों के नाम याद नहीं रखना है। मैं एक चीज मेरी क्लास में एक दिन सिंपल सिंपल समझ लो कि जो भी चीज याद रखना होगा ना, जो भी चीज याद रखना होगा वो मैं खुद बता दूंगा। आप लोगों को मेरे से इवन पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि सर याद रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना, वो मैं खुद आपको बता दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा सप्लायर, फाइनेंशियल फर्म्स मतलब बैंक्स, लेबर्स, ये सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये सारे लोग हमारे बिजनेस के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का बोला जाता है कि इट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड अनसर्टन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनो। बोले बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो ऑलवेज चेंज होते रहता है और अनसर्टन, मतलब जो आपके आसपास की चीजें वो हमेशा चेंज होती रहती है। दुनिया बहुत बदलती है भाई, आप सोचो ना, आज से 8 महीने पहले की बात है या 10 महीने पहले की बात है, आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना था क्या? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, ठीक है ना, एआई टूल है, क्या आप लोगों ने उसका नाम सुना था क्या? आज से अगर मैं आपको बात करूं, आज से अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले, चलो 8 महीने, 1 साल पहले आपने उसका नाम भी सुना था क्या? नहीं सुना था, नहीं सुना था। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम बेसिस पे ऑलवेज क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है। कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि कल कौन सा बिजनेस, कल कौन सी चीज चेंज हो जाएंगी, आसपास की चीजें चेंज हो जाएंगी, नो वन कैन टेल यू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई बता नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड अनसर्टन। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको मजे क्या बताओ, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स एंड इज अनसर्टन। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स एंड इज अनसर्टन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज क्या होता है, चेंज होता है, एंड ये क्या है, अनसर्टन, ठीक है ना। और वही बात, किसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक थ्रेट साबित हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। सर एक चीज मेरे को बताओ, कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड आया था, जब कोविड आया तो कोविड कोविड आने से बिजनेसेस को फर्क पड़ा। मेरे को एक चीज सोच के बताओ, क्या कोविड आने आके बिजनेसेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है या निगेटिव इम्पैक्ट डाला? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कोविड भी तो एक प्रकार का बिजनेस एनवायरनमेंट था, आपके आसपास की चीजें सब चेंज हो गई। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कोविड के आने से क्या बिजनेसेस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा या निगेटिव इंपैक्ट? आप खुद सोच के बताओ, दिमाग लगाओ ना। कोविड आया, कोविड के आने से बिजनेस, सारे बच्चे यार, सारे क्या होता है, मैं देखता हूं हमेशा कि कुछ बच्चे चैट में बात करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, सुनते रहते हैं फिर चले जाते हैं। और एक चीज और, मालक मेरी क्लास जो है इसको लाइव जितना जैसा अटेंड करोगे तो मजा अलग लेवल का आएगा, ठीक है ना। जो क्लासेस आप लोगों की अभी तक बाकी रह गई है उसका टेंशन मत लो, आफ्टरनून में आप देखो, इवनिंग में लाइव क्लास मेरे साथ देखो। इसका आंसर अभी तक यार आना चाहिए था, कुछ कुछ लोग करेक्ट दे रहे, कुछ कुछ लोग फिर से वही डाइसी आंसर दे रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो बात को समझ चुके हैं, वेरी गुड। सर अगेन, कुछ के लिए कोविड इज अ
ये नहीं, मैं देखो इमोशंस नहीं जा रहा हूँ बीच में, ठीक है ना। कोई बच्चे लाएंगे इमोशन लेके आएंगे, सर आपको पता नहीं है कि कोरोना से क्या हुआ था। बेटा मेरे को बहुत पता है, मेरे को दो दो बार हुआ था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक मैं भुगत रहा हूँ। मतलब पोस्ट कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस आज तक मेरी हेल्थ में दिखते हैं, प्रॉब्लम, तबीयत खराब हो जाती है कई बार, बहुत सारी चीजें। तो मेरे को इमोशंस आंसर नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे धंधा सिखाने के लिए बैठा हूँ, इमोशंस भी सिखाने के लिए नहीं बैठा। इमोशनल बीच में नहीं लाएगा कुछ। सर कोरोना आया, कोविड आया, इसने कई लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाला और कई लोगों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। अब इट्स अप टू द कंपनी, उसने इस चीज को अपॉर्चुनिटी मानी या थ्रेट मानी। अब ये कंपनी के ऊपर है कि उसने इसको अपॉर्चुनिटी मानी या थ्रेट मानी। सर कई लोगों ने, कोरोना आया, कोरोना के आने के बाद अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए और जो पहले वो लोग कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा आज कमा रहे। पहले जिस हिसाब से उनका बिजनेस चलता था उसका पूरा उन्होंने उल्टा कर दिया और पूरा तरीका चेंज हो गया और एकदम नए तरीके से अब क्या कर रहे हैं वो लोग, अपना बिजनेस कर रहे हैं और उल्टा पहले से अच्छा कर रहे हैं। कई सारी ऐसी कंपनी से, कई कंपनी से बेचारी जो कोरोना की वजह से डूब गई, जिन लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा। कोरोना आया उसके बाद डिजिटाइजेशन बहुत इंप्रूव, ये फायदे है, फायदा हुआ। हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फायदा हुआ। दवाई वालों को बहुत फायदा हुआ, टेक्नोलॉजी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ कोरोना के पीरियड में। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, टेक्नोलॉजी कंपनीज को। बेटा आईटी कंपनीज ने तो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी डबल कर दी थी कोरोना के टाइम पे। कोरोना के एक साल के बाद आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी डबल डबल, किसी को डबल, किसी को 3 गुना, 1-2 साल के अंदर, क्योंकि आईटी बूम आ गया था एकदम से। हर बंदे को ऐप बनाना था, हर बंदे को वेबसाइट बनाना है, हर बंदा ऑनलाइन जाना चाहता था। तो जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट करके क्या हो गए, उनको फायदा हो गया, और जो लोगों ने नहीं किया वो उनके लिए क्या हो गया, थ्रेट हो गया। क्लियर? तो बोथ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बोथ। कुछ कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है, कुछ को बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना, सिंपल है भाई। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बिजनेस एनवायरमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ यार। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि चेंज जो है वो तो होना ही हर चीज में। अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कितने लोगों को लगता है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से नौकरियां चली जाएंगी? कितने लोगों को लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ये मैनकाइंड के ऊपर एक नुकसान, या जिससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लोग भूखे मर जाएंगे? कितने लोगों को लगता है ये, चैट में बताओ। अब बच्चा बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग वालों को घाटा हुआ कोरोना की वजह से। बेटा मैन्युफैक्चरिंग वाले कई लोग टॉप पे आ चुके हैं। इट डिपेंड्स वो कि अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी किस तरीके से उन्होंने चेंज करी। जो लोगों ने अपने कोरोना के टाइम पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके गए और उन्होंने नई एज को नहीं पहचाने, नए समय को नहीं पहचाने, वो लोग खत्म हो रहे। उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड, ये बात आप लोगों को पता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से किसी की नौकरी नहीं जाने वाली। हाँ जो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी बात अलग है। सर आपको मजे की बात बताऊं कि आज से, मैं तो क्या, मैं भी बहुत छोटा था तब, बट आज से 20-25 साल पहले की बात है, कंप्यूटर्स आ रहे थे 20 साल पहले इंडिया के अंदर, इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए। तब कई लोगों को पता क्या लगा कि कंप्यूटर्स आने से, इंटरनेट आने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, सब काम कंप्यूटर कर लेगा, बोले सब काम, और कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। उल्टा नौकरियां 3 गुना हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, काम बढ़ा, नए नए तरीके निकले काम करने के, लोगों की नौकरी छोड़ो जो पहले नौकरी थी उससे 3 गुना ज्यादा नौकरी मार्केट में आ गई, 10 या 4 गुना ज्यादा। तो ये जो एआई है इससे भी नौकरियां कम नहीं होने वाली है। ये एक फेज है, टेक्नोलॉजी फेज चेंज हो रहा है। अगले 20 साल एआई के लिए, अगले 10 साल एआई के, अभी तक पूरा टाइम कंप्यूटर्स का था, अभी 20 साल इंटरनेट का था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है, तो इससे नौकरियां बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। हाँ फर्क उनको पड़ता है जो समय के साथ क्या नहीं हो पाते, चेंज नहीं हो पाते। तो आई होप आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ गई होंगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ गई होंगी। क्लियर? यस और नो? सर एक अलग तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि ना आप सिर्फ रट्टा मारने पे मत जाओ, सर याद मेरी क्लास में अपने आप हो जाएगा, मेरी गारंटी है।
ठीक है ना, आप आने वाले 10 तारीख तक अगर आपने मेरी बात मानी, ठीक है ना, जैसे मैं एक बार वापस से बता दे रहा हूँ कि पहले 6 दिन हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के दो, जो हमारे 3 टॉपिक्स है उसमें से 7th और 8th चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम जो 6th चैप्टर हमारा हो चुका है उसको हम रिवाइज करेंगे। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी कि भाई एक बार आप क्लासेस देख लो। सर प्लेलिस्ट के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो क्लासेस की लिंक आपको दिखेंगी, जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, तो वहां से आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट के साथ क्या देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, ठीक है ना, आपके लिए एक एक क्लास की लिंक आपको प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है ना, आप वो देख लो, उसके बाद हम रिविजन्स लेंगे। और ये जो 25 नंबर है ना आपके, ये मैं पक्के करवा दूंगा, ठीक है ना, क्लियर। एक बच्चा बोलता है डिजिटल क्रिएटर्स भी प्रॉब्लम, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यार ये तो ऐसा है ना कि प्रॉब्लम तो हर चीज में है फिर, ठीक है ना, उसमें क्या नया है। बच्चा बोलता है सीएस में फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा फायदा होगा, बहुत कंपनीज खुलेंगी, और जब कंपनीज खुलेंगी तो सीएस की बहुत रिक्वायरमेंट आएगी, क्लियर है। और नोट्स जो है भाई इसके नीचे में, डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप मॉड्यूल जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज योर आईसीएसआई की मॉड्यूल, ठीक है ना, आप नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में नोट्स पे क्लिक करें, वहां से आईसीएसआई की मॉड्यूल फर्स्ट वाली आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर बिजनेस एनवायरमेंट का कंटेंट आपको मिलेगा, क्लियर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आई होप आपके लाइफ में आज कुछ मैं वैल्यू एडिशन कर पाया होगा, ठीक है ना। सो अगर यार फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को मेरा आज का अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो एक प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाना, बाकी कल हम मिलते हैं डेली बेसिस पे 7:30 बजे, और कल और धमाके से हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, और कल और धमाकेदार चीजें हम आगे की क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सर बिजनेस एनवायरमेंट मॉड्यूल से पढ़ेंगे अभी हम 40, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सारी 40 यूज होती है, सिर्फ बिजनेस एनवायरमेंट में जानबूझ के मॉड्यूल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये भाई 25 नंबर का है और उसका कंटेंट बहुत छोटा है, तो हम मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे ताकि कुछ भी चीज छूट ना जाए, एक भी चीज हमको छोड़नी नहीं है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, एक कमेंट करके जाना जरूर, थोड़ा अच्छा लगता है हमारे को। इंस्टाग्राम पे सी ए सतीजा सूरज करके मेरी आईडी है, सी ए सतीजा सूरज मेरी आईडी है, उसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।